हेलो दोस्तों, स्वागत है एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको काइन मास्टर के एक न्यू फीचर AI स्टाइल के बारे में बताने वाले हैं, जो कि काइन मास्टर ने अभी अभी लॉन्च किया है। दोस्तों, साथ ही हम आपको बताएंगे कैसे आप काइन मास्टर के AI स्टाइल फीचर को यूज़ कर सकते हैं और उसका वर्क क्या है, और अगर आपके काइन मास्टर में AI स्टाइल फीचर नहीं आ रहा है तो आपको उसको ऐड कैसे करना है अपने काइन मास्टर में, सब कुछ इस वीडियो में डिटेल से जानेंगे। तो छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और ओपन करते हैं काइन मास्टर ऐप। इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा, यहाँ से आपको क्रिएट न्यू पे क्लिक करना है। अब आपको अगर लॉन्ग वीडियो पे काम करना है तो 16:9 का रेशियो लेना है, शॉर्ट वीडियो पे आप काम करते हो तो 9:16 का रेशियो ले लेना। तो हम लॉन्ग वीडियो पे काम करते हैं, 16:9 का रेशियो लेके क्रिएट पर क्लिक कर देंगे। कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा, यहाँ से आपको एक बार बैक का बटन दबा देना है। सबसे पहले आपको AI स्टाइल फीचर यूज करने के लिए इसमें कोई भी वीडियो की क्लिप ऐड करनी पड़ेगी, चाहे आपने शूट की हो या आपने कहीं से डाउनलोड की हो। तो यहाँ से हम मीडिया वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पर एक वीडियो ऐड कर लेते हैं जो हमने डाउनलोड करके रख ली है। तो यहाँ से हमने इस वीडियो को ऐड कर लिया है। जब तक आप इसमें कोई वीडियो ऐड नहीं करेंगे, AI स्टाइल फीचर इनेबल नहीं होगा, ना ही वो वर्क करेगा। तो दोस्तों, AI स्टाइल फीचर को यूज़ करने के लिए आपको इस वीडियो पर इस तरीके से क्लिक करना पड़ेगा। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तभी AI स्टाइल नहीं आएगा, और जैसे ही आप इस पर क्लिक हटा देंगे तो वो हट जाएगा। तो हम इस पर क्लिक करते हैं और ऊपर आएंगे तो AI स्टाइल फीचर आ जाएगा। अगर आपके में नहीं आ रहा हो तो वो मैं आगे बताऊंगा कैसे आपको इसको अपने काइन मास्टर में ऐड करना है। तो इसको यूज करने के लिए आपको इस पर इस तरीके से क्लिक करना होगा। अगर आप इसको पहली बार यूज़ कर रहे होंगे तो शायद आपके में ये जो और ऑप्शन है ये ना आ रहे हों। इसको लाने के लिए आपको ये जो होम वाला ऑप्शन है इस पर क्लिक करना होगा। आपके फ़ोन का इंटरनेट भी ऑन होना चाहिए, तो ये बहुत सारे ऑप्शन आपको दिखाई दे जाएंगे। इन सबको मैंने डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लिया है। मान लीजिए आपको ये कार्टून वाला जो है फीचर चाहिए, तो आपको इस बार इस पर क्लिक करना होगा और यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा होगा, वहाँ पर आपको क्लिक कर लेना है और ये आपके काइन मास्टर में कुछ इस तरीके से ऐड हो जाएगा जैसे मेरे में ऐड है। अब हम इसको यूज करेंगे तो कार्टून वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे। अब आपको यहाँ पर दो ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे, हाई एंड लो, तो हम हाई वाले पर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगी। थोड़ा सा ये वेट लेगी, तो थोड़ा सा हम वेट कर लेते हैं। तो दोस्तों, वीडियो आपकी कंप्लीट हो चुकी है, यानी कि AI स्टाइल फीचर इस पर अप्लाई हो चुका है। अब मैं आपको फ़र्क दिखा दूँ तो मैं यहाँ से इसको प्ले करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि जो हमारी नॉर्मल मूवी थी वो कार्टून मूवी में कन्वर्ट हो चुकी है। तो यही AI स्टाइल फीचर का वर्क है। आप इससे किसी भी मूवी या क्लिप को कार्टून मूवी या बहुत सारे ऑप्शन आप इसमें मिल जाएंगे। आप देख सकते हैं आर्टिस्ट, और ये नीचे आप देख सकते हैं पेंटिंग, इस तरीके की जो है फीचर्स में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये AI स्टाइल फीचर आपको अपने काइन मास्टर में कैसे ऐड करना है ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो पहले तो मैं यहाँ से काइन मास्टर को आपको यहाँ से इस तरीके से बंद कर देता हूँ और दिखा देता हूँ कि काइन मास्टर का कौन सा वर्जन मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि 7.2.0 और 30950 ये वाला काइन मास्टर आपको अपने फ़ोन में इंस्टॉल करना होगा, तभी आपके काइन मास्टर में AI स्टाइल फीचर आएगा। और दोस्तों, ये कैसे आपको डाउनलोड करना है या आपको ये चाहिए मुझसे, तो आप मुझको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं इसको प्रोवाइड करवा दूँ। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना, और कोई भी प्रॉब्लम आई हो उस वीडियो से रिलेटेड तो कमेंट्स में जरूर बता देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।